ओम अज्ञान्तिमिदं ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथमितं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखांबितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस टू ऑल प्रभुजीज एंड माताजीज। दंडवत प्रणाम हरि बोल हरे कृष्णा। प्रभु पिछले हफ्ते में हमारे वैष्णव परंपरा में हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का डिसेप्रेंस डे था। ये हुआ कि ये हमारा परंपरा में ये एक आचार्य ऐसे है कि जो आचार्य को जो है हम रिलेट कर सकते हैं। छह गोस्वामी जो है वो उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था और उन्होंने उतना ऊंचा वैराग्य जो है स्टैंडर्ड वैराग्य का दिखाया था कि वो हमको कभी कभी इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि हमको हमारे फैमिली लाइफ में रहना है, फैमिली को बिजनेस या जॉब को मेनटेन करना है, सोसाइटी के साथ में रहना है और वो स्थिति के अंदर वैसे वो स्टैंडर्ड पर रहे तो वो हमेशा एक अंदर से रखता है कि ये हमारे लिए नहीं है, वो थोड़े समय के बाद में जब मैं रिटायर होगा तभी ये सब हो पाएगा। लेकिन हमारे एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे जैसे लाइफ में जिए हुए हमारे जैसी लाइफस्टाइल रही है और इतनी ऊंची और वो रहने के बाद में इतना ऊंचा स्टैंडर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस का मेंटेन किया है कि उनको देख करके जो है हमारे जैसे लोग को समझ में आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मेरे लिए भी कुछ होप है, मैं भी कर सकता हूँ। किस तरह से कर सकता हूँ, क्या स्टैंडर्ड मुझे रखना है, क्या पॉइंट्स पे मेरे को बराबर ध्यान देना है जिससे जो है मैं भी मेरी लाइफ जो है भक्ति विनोद ठाकुर की तरह करूं। इसलिए जो है हमारे आचार्य जो है बहुत भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर प्राधान्य देते हैं। प्रभु जी ये आचार्य जो है प्रभु उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से इतना ऊंचा स्टैंडर्ड दिखाया है दुनिया में रहने के बावजूद, लाइफस्टाइल हमारे जैसे लोगों के साथ में रहने के बावजूद इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन किया है। वो देखने के बाद में हमारे जैसे लोग को समझ में आ जाता है कि नो इफ ही कैन स्टे देन आई कैन ऑल्सो स्टे इट। सो लेट अस डिस्कस इट आउट वेरी क्लियरली। प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर किस तरह से वो जीते थे, क्या उनके लाइफस्टाइल थी, क्या उनका स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो हमको हमारे लाइफ में कर करके हम भौतिक दुनिया में ये सब जॉब हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सब टेंशन एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन सब होने के बावजूद भी हम कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में फोकस कर पाए। सो प्रभु आई टेल यू समथिंग अबाउट, पहला हम थोड़ा पास्ट बैकग्राउंड भक्ति विनोद ठाकुर का बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर इज ए मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट, वो एक जज थे प्रभु जी और वो उतना उनका प्रोफेशनल के अंदर एक्सपर्टीज थी प्रभु कि वो उनको बीच में उन्होंने दो तीन बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट्स को वहां के उस समय ब्रिटिश राज्य था तो उनके वहां के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करना है, मेरे लिए बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मेरे को दोनों भक्ति और स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को मेंटेन करने में तकलीफ हो रही है। तो खास ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको छोड़ना नहीं होने की वजह से उन्होंने उनके उनके कोर्ट से लेकर के उनके घर तक रेलवे की ट्रैक बनाई गई है जस्ट बिकॉज द भक्ति विनोद ठाकुर कैन कम इन द
रेल इन द ट्रेन रीच एट द राइट टाइम और कम अपने घर पे भी, और वहां पे उनके घर के सामने उनका जो नवद्वीप में उनका जो घर था उनके सामने जो है वो गाड़ी खड़ी रहती थी, रेलवे ट्रैक ट्रेन खड़ी रहती थी और वो वहां पे बैठते थे और वहां पे से आई थिंक कृष्णनगर के पोर्ट के अंदर जाते थे। इतना हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि क्यों क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्लीज उनके वहां के मैनेजमेंट में क्यों इतना इतना फैसिलिटीज दिया, बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू लीव भक्ति विनोद ठाकुर। प्रभु जी क्यों? क्योंकि जो है ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी बेहतर कार्य नहीं किया। प्लस वो जब भी जॉब ऐसा बताया गया कि जब भी वो अपने बिजनेस अपना जो कोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे प्रभु, तब उनको जो है जो भी कुछ कोर्ट के केसेस आते थे वो उनका डिसीशन इतना शार्प, इतना क्लियर, एकदम क्लियर था कि जो दूसरे जज जो है उसको 5 से 6 घंटा लगता है उसका डिसीशन लेने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर वॉज एबल टू कंप्लीट विद इन 1 आवर इटसेल्फ। इतनी क्लैरिटी थी प्रभु जी। वो क्लैरिटी क्यों थी? हमारे जैसे लोगों को कैसे समझ में आते, क्योंकि उनका माइंड बड़ा फोकस था, वहां पे डाइवर्जन नहीं था। क्यों माइंड फोकस था? क्योंकि ही वाज कंप्लीटली कमिटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही वाज डूइंग ओनली एज अ सर्विस टू द लॉर्ड। एज फार एज उनकी फैमिली इज कंसर्न प्रभु, उनको 10 बच्चे थे। जस्ट इमेजिन प्रभु, हमको 1-2 बच्चे होते तो भी टेंशन रहता है, वो व्यक्ति के घर पे 10 बच्चे थे और वो 10 बच्चे होने के बावजूद इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने मेंटेन किया था प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में लिखते हैं कि जब मैं मेरे घर पे आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं गोलोक वृंदावन में आया। सी द स्टैंडर्ड प्रभु जी, वो अगर कैसे वो स्टैंडर्ड रहेगा जब वहां के अंदर बेस जो है इतना स्ट्रांग होता है, कोई लाइफ के अंदर कोई इंस्पिरेशन देने वाला व्यक्ति इतना ऊंचा रहता है कि उसको देख करके जो है पूरा घर का माहौल चेंज हो जाता है। मैंने यूज टू से मेरे घर के अंदर जब आता हूं तो कोई कीर्तन करता है, कोई गार्लैंड बनाता है, कोई जो है प्रभु जी कृष्ण कथा सुनता है, इतना माहौल इतना सुंदर होता है, कोई काउंसलिंग करता है, कितना सुंदर माहौल बनता है। और ये सब होने की वजह से जो है, और उनकी लाइफस्टाइल इतनी फोकस थी कि इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर उनको एक बहुत बड़ी पदवी दिया गया है प्रभु। ही वॉज कंसिडर्ड अ 7th गोस्वामी। अभी 6 गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब लोगों ने प्रभु रिनाउंसिएशन एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति है, नो डाउट फाइनली उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, लेकिन प्रभु उन्होंने पूरी लाइफ फैमिली के साथ में रह करके निकाला है। और वो समय में भी प्रभु जी इतनी पुस्तकें लिखी है, इतना सुंदर भजन लिखे है। हमारे 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 परंपरा के अंदर प्रभु जो है, प्रभुपाद जी जो है, जब कोई भी हमारा भागवतम क्लास चालू होता है, जय राधा माधव, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है प्रभु। हम शाम का जो भजन गाते हैं प्रभु जी, संध्या आरती का, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। समाव प्रभु जी, आई लव वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर इज ए गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, दिस इज रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर। क्या हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल लाइफ दिया था प्रभु। No compromise in business or a job responsibility, no compromise in as far as family responsibility, and ye sab hone ke baad bhi complete commitment to Krishna consciousness in the form of personal sadhana, preaching, aur ekdam ideal lifestyle maintain kiya. Ye dekhne ke baad mein hamare jaise vyakti ko samajh mein aata hai, it is difficult but it is not impossible Prabhu. That is not impossible. We can maintain this highest lifestyle. तो प्रभु मैंने थोड़े 6 points बनाए हुए हैं। क्या special चीज भक्ति विनोद ठाकुर में थी जो हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे, जिससे हम भी वो स्टैंडर्ड वो पाथ के अंदर बराबर फोकस करके आगे निकल पा रहे। वेरी वेरी क्लियर प्रभु जी, मेजोरिटी में यहाँ पे देख रहा हूँ कोई सन्यासी या कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ज्यादा करके हमारे जैसे लोग ही जो फैमिली लाइफ में अंदर रहे और हम वी आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या चीज हमारे लाइफ के अंदर मेंटेन करनी होगी हमको, जिससे जो है वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। सो प्रभु इस 6 points विच आई हैव विल डिस्कस इट आउट। पहला पॉइंट जो भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना फोकस रखा है, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। प्रभु जी यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट अस अंडरस्टैंड द रियालिटी। ये फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड ट्विटर एंड ये
प्रभु जी देयर इज सो मच प्रजल्पा, सो मच टाइम इज लॉस्ट, इसकी वजह से हमने टाइम मैनेजमेंट हमारा बराबर नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या टाइम मैनेजमेंट था प्रभु जी, राइट टाइम पे सो जाते थे एवरी डे। भक्ति विनोद ठाकुर यूज्ड टू गेट अप एट 2:00 एवरी डे, 2:00, और प्रभु जी इतना टाइम के अंदर इतना फोकस था, सुबह में अपना सब साधना खत्म करते थे, इतना लिखते थे, कितनी पुस्तकें भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, कितना भजन लिखे है, कितना प्रचार किया है प्रभु जी। ये जो है ना प्रभु, ये जो जो अपना चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने रिसर्च करके निकाला है, वहां की मंदिर भी उन्होंने डोनेशन कलेक्ट करके उन्होंने मंदिर भी वहां पे ही बनाया है, और कितना हाई स्टैंडर्ड का टाइम मैनेजमेंट था प्रभु जी, नो वेस्ट ऑफ टाइम, प्रॉपर जस्टिस टू फैमिली, प्रॉपर जस्टिस टू ऑफिस मैजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर जस्टिस टू प्रीचिंग, प्रॉपर जस्टिस टू पर्सनल साधना, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी क्लियर, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। प्रभु यही हमारा वीकनेस है, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है उसका नहीं प्रॉब्लम है, हमने टाइम बराबर यूटिलाइज नहीं कर रहे, यही हमारा प्रॉब्लम। एकदम टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए प्रभु जी, एकदम परफेक्ट शेड्यूल हमारा लाइफ में होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। अगर ये होता है तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होती है, और हमारे आचार्य हमारी परंपरा में जो है सब सब हमारे आचार्य ने बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मैनेजमेंट किया है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, हरिदास ठाकुर रोज 128 माला करते थे, 192 राउंड्स रोज करते थे, और 192 राउंड्स करने के बाद में प्रचार भी कार्य करते थे। क्या पॉसिबल होगा प्रभु जी, हम लोग एक दिन जो है 21 घंटा जपा करते तो फ्लैट हो जाते, 2-3 दिन हमारा लाइफ स्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये व्यक्ति तो रोज 192 राउंड्स भी करता था और प्रीचिंग भी करता था, कैसे हो पाता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एब्सोल्यूट टाइम मैनेजमेंट आपका। हमारे परम गुरु प्रभु जी प्रभुपाद, कैन यू इमेजिन क्या टाइम मैनेजमेंट उनका होगा? इतना प्रचार भी किया है, इतना मंदिर की स्थापना भी किया है, इतना फॉरेन टूर में इतने गए, इतने जेटलैग भी होते होंगे प्रभु जी, एंड ही वाज 70+, फिर भी ये स्थिति के अंदर भी इतने 60 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हैं, ये कैसे पॉसिबल है प्रभु? ओनली द थिंग इज, ओनली द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एब्सोल्यूट टाइम मैनेजमेंट प्रभु जी। हमारा प्रॉब्लम ही ये, हमारा टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं है। कभी बैठते तो रात को कोई मिलने आ गया और इतना अच्छा लग रहा, तो बातें करने बैठ गए, रात को 11-12 बजे तक बातें करते, और फिर सुबह में जो है उठ नहीं सकते, डांडी मार देते जपा के अंदर, या अगर जपा में आएंगे तो भी नींद होते होते जपा करेंगे, और पूरा दिन बिगड़ जाता है जस्ट बिकॉज हमने जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु, अगर जरूरी है तो वी कैन सी, ये हमको बहुत जरूरी है तो हम ऐसा फैनेटिक नहीं है कि हम बैठ जाएंगे, लेकिन प्रभु इन अ नॉर्मल कोर्स वी हैव टू हैव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आई स्टिल रिमेंबर इन माई हाउस ऑल्सो, मेरे घर पे जो है प्रभु जी बहुत लोग मिलने आ जाते हैं, और वो हमारे बम्बई में तो यही होता है ना, रात के टाइम पे आते हैं, रात के टाइम पे बातें करने बैठ जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रभु मेरे को सुबह में उठना है, ये राइट टाइम पे मुझे सोना पड़ेगा, और अगर नहीं सोऊंगा तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा। आपको अगर मेरे से बात करनी है तो हम कल सुबह में बात करेंगे, अभी मैं सोने जाता हूँ, उसमें अच्छी भाषा में आपको बोल देना चाहिए प्रभु जी, वरना जो है पूरा शेड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। We have to have a very proper time management. भक्ति विनोद ठाकुर ने पहला एग्जाम्पल हमको बताया प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्रभु जी। उन्होंने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं किया, एज फॉर अ जॉब इज कंसर्न, बेस्ट जॉब मैंने बेस्ट जॉब का जस्टिस दिया है, और उसकी वजह से उनको रेलवे ट्रैक गवर्नमेंट ने दिया। प्रॉपर मैनेजमेंट एज फॉर एज हिज फैमिली इज कंसर्न, दैट्स व्हाई ही कुड से मैं गोलोक वृंदावन में घर पे आ रहा हूँ, जब मैं आता हूँ तब घर पे। कितना प्रीचिंग किया, कितने नाम हट उन्होंने बनाए हुए, कितना प्रचार करे किया, कितनी पुस्तकें लिखी है, कितने भजन लिखे हैं, कितना जो है वो प्रभुपाद का महाप्रभु का जन्म स्थान का जो है वो उन्होंने जो है एक्सट्रैक्ट किया, और वहां पे पूरा मंदिर भी बनाया। ये सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो प्रभु फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। कृष्ण भक्ति में आया है प्रभु जी, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेरी रेयर है, उसके साथ में खेलना मत भाई। और ज्यादा करके ये मेरी बात कर रहा हूँ प्रभु जी, हमारे वो अभी वो क्रिकेट के अंदर वो 50 ओवर गेम होती है ना, वो 50 ओवर गेम के अंदर प्रभु जी अगर 35-40 ओवर चली जाती है तो बाकी 10 ओवर के अंदर एक बॉल भी मिस नहीं होना चाहिए, एक बॉल भी मिस होता है तो पूरा जो है रिजल्ट चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली हमारा भी ऐसा होता है,
आपके लिए नहीं, अब बहुत लोग मैं देखता हूँ सब जवान लोग हैं, आपका 10-15 ओवर ही गया है, 35 ओवर आपके पास खड़ा है, मेरा तो 40 ओवर चला गया है प्रभु जी। एक एक बॉल की कीमत करनी है प्रभु जी, क्योंकि एक बॉल भी उल्टा सीधा हो गया तो पूरा डिसीजन चेंज हो जाता है। इसलिए नो वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्यूट फोकस, एब्सोल्यूट क्लियर, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। सुबह के टाइम पे प्रभु जी रात को जल्दी सो जाना है, सुबह में जल्दी उठना है, जपा करना है, दिन पूरा खर्सरू करने के पहले पूरी साधना खत्म हो जानी चाहिए। अरे प्रभु आई एम वेरी क्लियर, मेरा दावा है लोगों के साथ में, आई एम वेरी क्लियर प्रभु, सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर आप आपकी 16 माला और हम शनिवार रविवार को 32 माला करेंगे। आप देखो प्रभु जी क्या कॉन्शियसनेस होती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अंदर से आवाज आता है कि मेरे में कुछ चेंज आ रहा है, कृष्णा मेरे हृदय में फिक्स हो रहा है। There is nothing to be said, it is so practical. Why should we come? प्रभु जी cost benefit analysis सब लोग कर लेते, Why should we come there? लेकिन ये पॉसिबल कभी रहेगा प्रभु जब आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट किया है। मेजोरिटी प्रभु जी डिवोटीज जो है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, एक दिन पूरा दिन ये सब फेस्टिवल में जाता है ना, रात को 12-12 एक-एक बजे घर पे आते हैं, फिर दूसरे 2 दिन जो है पूरा साधना का चौपट बच जाता है, और फिर तीसरे दिन जो है आते हैं लाइन में, तब तक जो है प्रभु वो टेस्ट कम हो जाता है, और तीसरे दिन जो है प्रभु जब जपा करने बैठते हैं ना तो जो है माया ऐसी मारती है ना कि 2 दिन तो थोड़ा ढीला किया था, आज भी थोड़ा ढीला कर लो ना बाद में करेंगे, और वो खींचते जाते फिर बाद में एक फेज ऐसा आ जाता है आपको सुबह में उठने की इच्छा ही नहीं होती है। दिस ऑल दिस थिंग इज ओनली बिकॉज माया हमको ट्रैप कर लेती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कीप सम वेरी स्ट्रांग कमिटमेंट, कैन वेरी क्लियर कि मैं इतने दिन, मैं हफ्ते में इतने दिन मैं भक्तों के साथ में जपा करूंगा, और जिस दिन मैंने जपा नहीं किया इतना, मैं इतना ऑस्टेरिटी मेरी लाइफ में करूंगा या करूंगी। इसकी वजह से जो है प्रभु जी माइंड को फोकस मिल जाता है, और प्रभु जी वी आर कनेक्टेड ओनली विथ होली नेम, होली नेम इतना शुद्ध है, होली नेम इतना शुद्ध है प्रभु, उनके साथ में जैसा एसोसिएशन करोगे डेफिनेटली आपकी कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। लेकिन ये सब चीज पॉसिबल कभी है जब आपने टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट किया है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रभु जी यू हैव टू लर्न फ्रॉम भक्तिविनोद ठाकुर इज टाइम मैनेजमेंट। सेकंड थिंग, भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने लाइफस्टाइल से बताया है हार्ड कोर साधना। भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना स्ट्रॉन्ग साधना रखते थे प्रभु, रोज भक्तिविनोद ठाकुर 2 बजे उठ जाते थे, और 2 बजे उठने के बाद में प्रभु भागवतम पढ़ लेते थे, जपा कर लेते थे। प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर का भी ये पूरा नियम था, वो अपना काम चालू नहीं करते थे जब तक उसका जपा भागवतम खत्म नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होता था। वेरी वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रॉन्ग साधना प्रभु, ये हमारे गृहस्थों के लिए इतना महत्व का है प्रभु। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल एवरी डिवोटी, प्लीज प्रभु एक नियम ही रख लो अपने लाइफ के अंदर, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरी 16 माला कम से कम 16 माला नहीं होती। This should be a real नियम प्रभु जी, ये जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत स्टेबिलिटी देते। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु, इट इज सो प्रैक्टिकल, हमको पूरे दिन में अगर आपने इनिशिएशन लिया या एस्पायरिंग फॉर इनिशिएशन हो तो मिनिमम 16 माला तो आपको करनी ही है। जब करनी है तो क्यों ना सुबह में कर ले, क्यों ना सुबह में कर ले, और आप देखो प्रभु आपकी कॉन्शियसनेस में कितना चेंज आ जाए। आई टेल अगेन एंड अगेन, और मेरा तो एकदम क्लियर है प्रभु जी, मैं आपको सब बोलता हूँ प्रभु आपको अच्छा नहीं लगता तो मत आना बाबा, प्लीज डोंट कम, बिकॉज वी एनीथिंग कृष्णा भक्ति में जो है ना प्रभु हृदय से जब आता है तभी वो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आती है, कोई प्रेशर और फोर्स से कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है प्रभु मेंटेन नहीं होता है। वो प्रेशर और फोर्स जो है जैसा आपको हुआ तो माया आपको खींच करके फेंक ही देगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली जाना प्रभु सुबह के टाइम के अंदर स्ट्रॉन्ग साधना करना है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरी 16 माला खत्म नहीं होगी। और माता जिसको भी जो है प्रभु इफ दे हैव टू हैव प्रॉब्लम्स सुबह के टाइम पर अगर जल्दी है ना, मेरा तो एक माता जी तो इतनी सुंदर, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर, दिस माता जी प्रभु उसका नियम है वो किचन में ही नहीं जाते जब तक उसकी 16 माला नहीं होती। मैंने बोला माता जी ये कैसे पॉसिबल है, देखिए आई विल नॉट गो इन द किचन क्योंकि मैं प्रभुपाद परंपरा डिटीज के लिए प्रसाद बनाती हूँ और वही प्रसाद जो है मेरे फैमिली मेंबर्स को ऑफर करने वाली हूँ, और अगर मेरी कॉन्शियसनेस अच्छी नहीं रहेगी तो मैंने क्या सेवा किया मेरे फैमिली मेंबर के लिए, क्या मैंने मेरी जस्टिस दिया। दिस माता जी यूज टू नॉट एंटर द किचन ओनली जब तक उसकी 16 माला सुबह में नहीं होती। मैंने लेकिन सबको डिमांड जल्दी चाहिए, सबको जल्दी ये प्रसाद बनाना है,
देखिए प्रभु जी जल्दी उठ जाऊंगी, उठने के बाद में तेरी मेरी सोला माला करने के बाद में किचन में एंट्री लेती। सी दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना प्रभु, ये स्टैंडर्ड जो है प्रभु जी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को इतना स्टेबल बना देता है, इतना स्टेबिलिटी दे देता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने लाइफ स्टाइल से बताया, स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी प्रभु जी, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप की ड्यूटीज है, दे हैव कम टू दैट स्टैंडर्ड प्रभु, मेंटेनिंग दैट हाई स्टैंडर्ड, और इट इज सो प्रैक्टिकल प्रभु। मैं देख रहा हूँ ड्यूटीज इतने सीरियसली ले रहे हैं, राइट, दे आर टेकिंग इट बिकॉज उन्होंने रिजल्ट देखा है प्रभु, उन्होंने अपने लाइफ में रिजल्ट देखा है, हाउ मच परिवर्तन उसकी कॉन्शियसनेस में हो जाता है। सो दिस इज व्हाट अ स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर इज, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग साधना, थर्ड थिंग वेरी वेरी क्लियर फिलोसॉफिकल कन्विक्शन एंड ए वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो सेवा कॉन्शियसनेस इतनी सुंदर थी प्रभु जी, जो भी कुछ कर रहे थे वो सब चीज जो है प्रभु कृष्णा की सेवा के हिसाब से कर रहे थे। एज फॉर एज टाइम मैनेजमेंट, सब सेवा कृष्णा के लिए ही है, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो प्रजल्पा, कंप्लीटली फोकस ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज ए सर्विस। अपनी फैमिली को भी सर्विस कर रहे थे, अपने सोसाइटी के साथ में भी सर्विस कर रहे थे, अपना पर्सनल कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बराबर मैच्योर और फोकस कर रहे थे, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी बेदरकारी नहीं किया। और ये सब करने के बाद में वापस क्लैरिटी थी फिलोसॉफिकली, मैं ये क्यों कर रहा हूं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जब आप व्यक्ति जो है ना बड़ा स्टेबिलिटी, स्टेबल, एकदम स्टेबल हित से जो है कृष्णा भक्ति करता है ना प्रभु, तब कृष्णा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्नता का मैनिफेस्टेशन कैसा होता है? कृष्णा उसको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और कन्विक्शन की वजह से जो है ना उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भयंकर स्टेबिलिटी आ जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन भक्ति विनोद ठाकुर। और उसके वजह से उनके घर के बाजू में बड़े बड़े रिनाउंसिएट्स लाइक गौरकिशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, इतने बड़े ऊंचे साधु थे प्रभु, उन्होंने सब रिनाउंस कर लिया था, लेकिन ऐसे बड़े बड़े साधु थे वो उनके घर के बाजू में कुटिया बनाया था, और वो उनके घर के बाजू में रहते थे। क्यों उनके बाजू में रहते थे? सो दैट ही कैन, दे कैन एसोसिएट विद भक्ति विनोद ठाकुर। जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट प्रभु जी, जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट। ये व्यक्ति एक मैजिस्ट्रेट है, एक जज है, ये व्यक्ति के घर पे 10 बच्चे हैं, ये व्यक्ति जो है पूरा फैमिली लाइफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर फॉलो करता है, एक बाहर की जो है जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करता है, और वो करने के बाद में अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बराबर फोकस करके संघर्ष करके मेंटेन करता है। और यहाँ पे ये जो गौरकिशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, वो लोग ने पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस को दे दिया है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ में एसोसिएट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे ना, इट वॉज ओनली एज अ सर्विस टू द लॉर्ड, एब्सोल्युटली नो अदर मोटिवेशन इन हिज लाइफ। और उसकी वजह से जो है प्रभु जी देवर खटिक, उसकी वजह से उनके रियलाइजेशन इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कन्विक्शन था प्रभु जी, और वो कन्विक्शन की वजह से इनको इनके साथ में एसोसिएशन करने की पूरी इच्छा होने की वजह से उनकी कुटिया उनके घर के बाजू में बनाते और उनके साथ में एसोसिएट करते थे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। गृहे ताको बने ताको सदा हरि बोले ताको, कोई भी स्थिति हो प्रभु जी। इसलिए हमारी परंपरा बहुत प्रैक्टिकल है, गृहस्थ तो होवे या सन्यासी होवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट एक्सटर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनल कॉन्शियसनेस। और ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, बड़े बड़े परमहंस जो है प्रभु, आपने गौरकिशोर दास बाबा जी का देखा होगा प्रभु, क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था प्रभु जी, क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने दीक्षा नहीं दिया था, विल डिस्कस सम टाइम, इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बोला उसको मैं दूंगा नहीं। तब वहां तक हुआ था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज रेडी टू डू सुसाइड, वो देह छोड़ देने वाले थे, क्योंकि भक्ति गौरकिशोर दास बाबा जी उनकी उसको दीक्षा नहीं दे रहे थे। ऐसा फिर बाद में उन्होंने उनको दीक्षा दिया है। ऐसे व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाजू में रहते थे, क्योंकि उनको भक्ति विनोद ठाकुर के एसोसिएशन चाहिए। तो दिस इज द थर्ड क्लैरिटी प्रभु, एब्सोल्यूट फिलोसॉफिकल क्लैरिटी और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल रियलाइजेशन, विच वॉज पॉसिबल बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली डूइंग ऑल द सर्विसेज, ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सर्विस टू द लॉर्ड।
fourth point. Probably it is getting late, so I have to be very fast. Probably the fourth point is Bhakti Vinod Thakur was very bold, very straightforward. कहां पर भी डाइवर्जन, कहां पर भी भक्ति को, कहां पर भी वो नहीं करते थे. व्यक्ति के जब जब कृष्ण भक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है ना प्रभु, तो उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और जब वो स्ट्रांग होता है तो कोई भी इनजस्टिस वहां पर भी देखता है तो वो कहां पर भी वो इतना बोल्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है तो वो कहां पर भी खोटी चीज अलाउ नहीं करता. देयर इज वन पास्ट टाइम जो है, एक मिस्टिक था प्रभु विश्वक्षीण, ऐसा कुछ विश्वक्षीण उनका नाम था. ही वॉज अ मिस्टिक और वो ऐसा बता रहा था कि मैं ही कृष्णा हूं, मैं ही भगवान हूं. और बहुत लोगों का वहां पे ग्रुप के अंदर लोगों को एक्सप्लोर करता था. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. और भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लोर कर रहा है और बहुत खोटे काम, इमोरल काम भी कर रहा था. तब जो है प्रभु जी विश्वक्षण को जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको अरेस्ट किया था, बिकॉज ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट था और भक्ति विनोद ठाकुर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि आप ये कर सकते हो. उन्होंने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में वो मिस्टेक होने की वजह से भक्ति विनोद ठाकुर का हेल्थ बहुत खराब हो गया. उनकी पूरी फैमिली जो है, उनको जो है फैमिली को भी जो है, सब फैमिली मेंबर्स भी देवर अबाउट टू लीव देयर बॉडी. इतनी खराब स्थिति आ गई थी. और उनकी पत्नी ने बोला कि इसको छोड़ दो ना, हमारी पूरी लाइफ बिगड़ रही है, हम सब लोग इतनी खराब हालत में. तो भी भक्ति विनोद ठाकुर एक के दस के मस्त नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पक्का पता था कि ये मिस्टिक आदमी और सब लोग को एक्सप्लोर कर रहा है. फाइनली प्रभु जी वो उनके बाल के अंदर सब मिस्टिसिज्म था और किसी ने उनका बाल काटा तो सब उसकी मिस्टिसिज्म गिर गई और देन ही बिकम ए वेरी कॉमन पर्सन. फिर उसको अरेस्ट करा दिया अगर सब चीज बाहर निकली और सब जो लोग उनको भक्ति विनोद ठाकुर जो लोग उसके फॉलोअर थे दे उनको रियलाइज हो गया कि दिस इज ऑल मिस्टिसिज्म. एब्सोल्युटली क्लियर, नो चीटिंग बाजी. इवन जगन्नाथ मंदिर के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर को एक पोजीशन दिया गया था टू टेक केयर ऑफ द फुल मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल. तब वहां पे भी जो थोड़ी गड़बड़ होती थी सब चीज भक्ति विनोद ठाकुर डिड एवरीथिंग परफेक्टली. जो भी खोटा काम कर रहे थे एवरीथिंग ही मेड इट वेरी सिस्टमैटिक. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, उस समय जो है गौड़ीय सिद्धांत जो है गौड़ीय संप्रदाय को बहुत लोग चीपली समझते थे. वो सेंटिमेंटल है इस तरह से बोलते थे, वो सहाजिया लोग है इस तरह से लोग कहते थे. भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करके अपने लाइफ स्टाइल से बताया और अपने क्लैरिटी से, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी से बताया कि व्हाट गौड़िया इज गिविंग इज समथिंग वेरी हाई. गौड़िया संप्रदाय बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड बताते हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए. और उससे उसकी वजह से जो है प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने फिर वो चीज आगे लिए और हमारे गुरु महाराज प्रभु परम गुरु प्रभुपाद ने उससे आगे लेकर के पूरी क्लैरिटी दिया है. नो चीटिंग बिजनेस, नो सहाजियज्म. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी वेरी क्लियर फोकस एंड अ गोल ओरिएंटेड सिस्टम. नो चीटिंग बाजी. दिस इज ऑल ग्लोरी गोज टू भक्ति विनोद ठाकुर. वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फिफ्थ पॉइंट इज प्रभु जी, नो कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज. भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है प्रभु अपने फैमिली के साथ में कि जो है प्रभु उसकी वजह से जो है मुझे कहते थे कि जब मैं घर पे आता तो आई कम एट अ गोलोक वृंदावन. और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट इज सो क्लियर प्रभु. उनके घर के अंदर जो है प्रभु उनका एक बच्चा जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है और उनको सब कहते हैं, एवरीबडी इज सेइंग दैट ही इज अ रे ऑफ विष्णु. इतना बोल्ड, वो भी इतने स्ट्रेट फॉर. एंड ऑल दिस ट्रेनिंग हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर. दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर उनका उनका फैमिली लाइफ का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा व्यक्ति उनके घर पे उन्होंने जन्म लिया है. तो प्रभु दिस इज हिज फैमिली लाइफ. एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज कमिंग. एंड द सिक्स्थ, बिकॉज़ वी हैव लेफ्ट टाइम, सिक्स्थ पॉइंट इज प्रभु फाइनली ये सब चीज किया है प्रभु. एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ड्यूटीज. पूरा इतना प्रचार किया, इतना फैमिली को जस्टिस दिया, अपने जॉब को जस्टिस किया, अपनी साधना बराबर रखा, इतनी सेवा किया, इतना जो है प्रभु जी महाप्रभु का जन्म स्थान का जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किया, मंदिर इतना बनाया, इतना नाम हट किया. ये सब चीज करने के बाद में एक राइट टाइम पे जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, सब चीज बराबर हो गया,
फोकस में कहां पर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने डाइवर्जन नहीं किया है। जब वो सब खत्म हो गया तो गोल एंड फोकस वाज वेरी क्लियर। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद में उन्होंने खाली फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस की डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस किया है बाय एक्सेप्टिंग संन्यास। सब छोड़ दिया और खाली कृष्णा पे फोकस करके वेरी वेरी गोल के नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, नाउ ओनली कृष्णा एंड ओनली कृष्णा शुड बी इन माय लाइफ। दिस इज आइडियल कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर मी, दिस इज आइडियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। सब चीज बराबर करना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, लेकिन कहां पर भी गोल, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं हम कृष्णा की सेवा के लिए करना है, पर एक फेस ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा अभी इससे ज्यादा मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी मेरी पूरी एनर्जी खाली डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में आनी चाहिए क्योंकि अभी मेरे से ज्यादा सेवा नहीं होगी, अभी खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जानी चाहिए। दिस व्हाट इज भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु। तो आज जब हमारी 32 माला हम करेंगे प्रभु, वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डूइंग एनी कॉम्प्रोमाइज ना प्रभु, भले हो सकता है प्रभु आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो भी, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको कृष्णा से लेना देना है। हमको कृष्णा से जो है एक्सेप्ट, कृष्णा को रिक्वेस्ट करना, कृष्णा को बताना है कि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो प्रभु वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कृष्णा फाइनली मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं कहां पर भी फाइनली मेरा गोल और मेरा फोकस में भी कहां पर भी डाइवर्जन नहीं करूं। ये सब चीज करना है मेरे को, एक ही चीज के लिए आपको प्रसन्न करना है। लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि जैसा भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जिस तरह से फाइनली फाइनली जो है अपना गोल के अंदर कहां पर भी डाइवर्जन नहीं किया है, ऐसा मैं भी मेरा फाइनल स्टेज जब मेरे लाइफ में आवे तो मेरा भी गोल के अंदर और मेरा फोकस के अंदर कहां पर भी डाइवर्जन ना हो, और मैं आपको हकीकत में बाय नॉट बाय माय वर्ड्स बाय माय एक्शन से आपको बताना चाहता हूं, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ड्यूटीज मैंने बराबर किया टू द बेस्ट आई कैन ओनली टू प्लीज यू। सो नाउ प्लीज टेक केयर ऑफ मी एंड गिव मी द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द माय फैग एंड ऑफ माय लाइफ द वे भक्ति विनोद गॉट, भक्ति विनोद ठाकुर गॉट इट। ये हम प्रार्थना करेंगे व्हेन वी चांट अवर 32 राउंड्स प्रभु। एंड फाइनली प्रभु आई एम 60 वाला, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो प्रभु। अभी मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रहे आ रही है। I also want to have very focused Krishna conscious life. Please help me out, Prabhu. कहाँ पर भी diversion नहीं चाहिए अभी. Krishna and only Krishna should be our goal. जो भी करना है हम करेंगे, जो भी responsibility, no compromise. खाली कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर बाद में कृष्णा हमसे क्या, हम कृष्णा से क्या मांगेंगे, हम एक ही मांगेंगे. We want pure devotional service. ना धनम ना जनम ना सुंदरी सुन्यायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहे नमि अश्लिष्यवा पादृतम पिनश्यमम कृष्णा आइदर यू एम्ब्रेस मी और यू रिजेक्ट मी यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इट बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू कृष्णा बिकॉज़ आई अंडरस्टूड ये जगह जो है ना सिर्फ एक ही चीज के लिए है प्रभु फाइनली टेक माय वर्ड्स नाउ थोड़ा भी लास्ट में हैवी बोल देता हूं भले एक मिनट ज्यादा जाए ये फाइनली प्रभु ये दुनिया सिर्फ एक चीज के लिए है और जितना व्यक्ति जल्दी समझेगा उतना वो खुश रहेगा और जितना व्यक्ति ये कन्विक्शन उसको नहीं आएगा ना तब तक उसको किक मारती रहेगी और वो एक चीज इसके लिए है कृष्णा हमको एक पूरी तरह से रियलाइजेशन देना चाहता है कितना भी गुलाटे मारोगे यहाँ पे मारी खाओगे कितनी भी खुश होने की कोशिश करोगे लेकिन इधर फाइनली मारी खाने वाले हो। ये जगह इसके लिए बनाई है एक रियलाइजेशन आ जाए कृष्णा के सिवा मेरा कोई आसरा ही नहीं है इसके लिए ये बनाया गया है। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी लाइन में आ जाओ। तो प्रभु विद दैट कॉन्शियसनेस माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो दैट आई कम टू दैट कंक्लूजन एंड मेक अ वेरी वेरी फोकस्ड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। थैंक यू वेरी वेरी वेरी